ओके दोस्तों नमस्कार और वेलकम बैक टू माय चैनल फिर से। तो आज से शंकर धर हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हुए स्टार्ट करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग। पूरा वाराणसी टू सोनभद्र का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ये हम लोग आ चुके हैं बनारस स्टेशन के पास और आप लोग मंदिर देख के समझ गए होंगे ये मंदिर कहाँ पे है। हनुमान जी का मंदिर है बनारस स्टेशन के पास। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आज का पूरा नज़ारा आप लोगों को। ओके तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे 19 के पास। आप देखेंगे यहाँ से सीधा जो रोड है वो चला जाएगा आपका चुनार की तरफ और दाहिने अगर हम देखेंगे तो चला जाएगा प्रयागराज और बाएं चला जाएगा बिहार कोलकाता और दिल्ली की तरफ। तो हम लोगों को चलना है बाएं और यहाँ से चलते हैं आप लोगों को सीधा टेंगना मोड़ से होते हुए दिखाते हुए चलेंगे आगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके का धुंध है यहाँ पे, देख रहे हैं चारों तरफ, मतलब क्या ही मजा है दिसंबर का सुबह सुबह निकलने में। मॉर्निंग में देखिए धूप भी हुआ है उधर और इधर धुंध भी है और NS19 पे स्पोर्ट्स बाइक हो तो चलाने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं डाफी वाले टोल टैक्स पे, टोल प्लाजा पे, और ये लगभग 16 लेन का टोल प्लाजा है, बहुत ही बड़ा है। हालांकि अब ऐसा ही बन रहा है हर जगह, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, चाहे जौनपुर वाला हो आप देख सकते हैं या यहाँ वाला हो। 16-17 एक एडिशनल भी है उधर बाइक और ऑटो वालों के लिए। तो ये डाफी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोग आ चुके हैं, इसको बोलते हैं विश्व सुंदरी गंगा ब्रिज, है ना, डाफी के जस्ट थोड़ा सा आगे पड़ता है ये। यह देखिए यहाँ से वैसे तो धुंधला है, ऐसे कुछ दिखेगा भी नहीं बाइक पे से, लेकिन इसी को बोलते हैं विश्व सुंदरी गंगा ब्रिज। दोस्तों ये जो मेरा ट्रिप है ना, ये मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि इधर मैं बाइक से पहली बार जा रहा हूँ। तो एकदम रॉ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो मुझे दिखेगा, जैसा एक्सपीरियंस मुझे होगा, वही सेम एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। तो हम लोग सोनभद्र वाले रोड पर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग ये NS19 है जिससे अभी हम लोग आए हैं और हम लोगों को यहाँ से सीधे चलना है सोनभद्र की तरफ। यहाँ से आप लेफ्ट चले जाएंगे तो आप गया की तरफ चले जाएंगे, बिहार की तरफ, और सीधे हम लोग चल रहे हैं सोनभद्र की तरफ। देखिए यहाँ एक और टोल रोड स्टार्ट हो गया सोनभद्र वाला। और ये दोस्तों जो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं ना, ये था टेंगना मोड़, मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है। देखिए मिर्ज़ापुर रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर यहाँ से 63 किलोमीटर्स है एंड रॉबर्ट्सगंज 69 किलोमीटर्स। दोस्तों तो हम लोग जो मिर्ज़ापुर लालगंज और MP की तरफ रोड जाता था वो ये वाला है जिसपे अभी हम लोग आ रहे थे। अब यहाँ से हम लोगों को बाएं तरफ चलना है सोनभद्र की तरफ और वो वाला रोड आपका चला जाएगा, मैंने बता दिया, मिर्ज़ापुर लालगंज होते हुए पूरा MP की तरफ चला जाएगा। तो आइए चलते हैं सोनभद्र की तरफ इस वाले रोड पर। तो थोड़ा सा फ्यूल वगैरह ले लिया जाए बाइक के लिए, क्योंकि लंबा रास्ता है, पता नहीं आगे कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। और रिलायंस का मेरे हिसाब से तो क्वालिटी अच्छा होता है, इसलिए रिलायंस पे आए हम लोग। भैया रिलायंस का पेट्रोल पंप GOBP, भैया आप फुल कर दीजिए, ऑटो कट है ना। बस 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 हो गया फुल, हो गया, उससे ऊपर मत भरिए वो बाहर आ जाएगा। हाँ लाइन के ऊपर आ गया है, बस करिए ऑनलाइन। तो कितने का हुआ ये, हो गया 1173, मतलब 1174 का। तो अभी हम लोग नारायणपुर मार्केट में हैं
आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर आप सीधा चले जाएंगे, पहले तो वो जो रोड आपको मैंने दिखाया ना वो नारायणपुर बाईपास है, नहीं तो वो नहीं बना था तो लोग इसी से आया जाया करते थे। देखिए अगर आप इस तरफ चले जाएंगे सीधा तो आप चुनार किला विंध्याचल की तरफ चले जाएंगे और हम लोगों को बाएं तरफ चलना है जो कि रॉबर्ट्सगंज वाला रोड है। और आप देखेंगे ये रॉबर्ट्सगंज शक्ति नगर वाला रोड है जो कि हाथी नाला की तरफ चला जाता है, तो हम लोगों को चलना है इस रोड पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं फतेहपुर टोल प्लाजा पे, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों। तो देखिए बाइक से घूमने का ना एक ये मजा है कि आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप कार से आते हैं कहीं लखनिया दरी राजदरी भी ना, तो भी आपको टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो फतेहपुर वाला टोल प्लाजा था, मैं आपको बता दूं कि रेणुकूट तक ये टोटल तीन, रेणुकूट तक टोटल ये तीन टोल प्लाजा पड़ेगा जिसमें से ये पहला था। मैं आपको दूसरा और तीसरा भी दिखाने की कोशिश करूंगा अगर वहाँ। हाँ दोनों ट्यूबलेस है, आगे 30 कर दीजिए पीछे 35 कर दीजिएगा। तो भैया ये है अरोरा चौराहा, आप लोग देख सकते हैं। सीधा आप चले जाएंगे रॉबर्ट्सगंज की तरफ और दाहिने तरफ अगर आप जाएंगे तो चुनार वाली रोड मिल जाएगी आपको, चुनार किले की तरफ चले जाएंगे। और बाएं तरफ अगर आप जाएंगे तो चकिया चंदौली की तरफ चले जाएंगे। तो अरोरा चौराहा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये रेट बोर्ड है कुछ, आप देख लीजिए, 150 रुपये जाने का कार का, और आने जाने का 24 घंटे में अगर आप करते हैं 225 रुपये। दोस्तों ये जो अरोरा वाला टोल प्लाजा है, ये मैं आपको बता दूँ ये चुनार वालों के लिए स्पेशली है कि अगर आप चुनार वाले रास्ते से आते हैं तो ही आपको यहाँ पे टोल टैक्स देना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि पीछे वाला जो टोल प्लाजा था फतेहपुर वाला, अगर वहाँ पर आपने टोल कटा लिया है तो आपका यहाँ पर नहीं लगेगा ये अरोरा वाला टोल प्लाजा। और दोस्तों इसके बाद ना टोल प्लाजा के बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, पहाड़ी वाड़ी का। इस एंगल से तो बहुत कम ही दिख रहा है, टोल प्लाजा के पहले से और बेहतरीन दिख रहा था। दोस्तों ये जो एरिया है ना, यहाँ से दाहिने तरफ में आपका लखनिया दरी पड़ता है, और मैं आपको बता दूँ ये ऐसा सीनरी टाइप का एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे फोटो एल्बम्स या आप कह सकते हैं सॉन्ग एल्बम्स वगैरह शूट हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे लखनिया दरी में। ये वो एरिया है दोस्तों जहाँ पे लखनिया दरी और आसपास के जितने भी दरी हैं या वाटरफॉल हैं उसका पानी जो है ना वो यहाँ आके इकट्ठा होता है वहाँ से बहने के बाद, और यहाँ से ना बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। देखिए हम लोग अभी ब्रिज पे ही हैं और ये ब्रिज बहुत पुराना नहीं है, ये रिसेंटली बना है। इसके पहले जो रास्ता था आप लोग अगर वीडियो में देख पा रहे होंगे तो वो जो आपको दिख रहा है ना वो रास्ता, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का रास्ता था, और उसके बगल में वो पंप लगा हुआ है पानी यहाँ से पंप करके फिर ज़रूरत वाली जगहों पर पहुँचाने के लिए। और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन सा एक खूबसूरत सा सीनरी टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये देख पा रहे होंगे आगे पहाड़ी है और उधर से पहाड़ी के पास से रास्ता जाता है लखनिया दरी के पास, और उसके बाद फिर उधर सब चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके का नज़ारा है। और भैया बाइक की हालत देख पा रहे हैं आप लोग, आज इसी के भरोसे हैं, शाम तक वापस पहुंचाने का जिम्मेदारी जो है वो बाइक की है, धन्नू की है। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे का भी खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं सारा सब कुछ। एकदम मस्त गुफा के जैसा फीलिंग आ रहा है दोस्तों। अभी तो ये वैसे तो ट्रेलर है, आगे आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया ये देखिए, दोनों तरफ पहाड़ टूटे हुए चट्टान है, सामने भी पहाड़ दिख रहा है और बीच से ये हाईवे निकला हुआ है। बहुत ही बेहतरीन मज़ा आ रहा है दोस्तों, मतलब आप समझ लो ना जो भी एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ वो सारा एक्सपीरियंस आपको एकदम रॉ तरीके से मैं शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पूरा टोली आ गई है। ये देखिए दोस्तों, सोनभद्र जिला पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है, और हम लोग वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र में आ पहुँचे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुकृत खनिज क्षेत्र भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, पगला बाबा आश्रम वगैरह भी सब यहीं से है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको अब सोनभद्र का नज़ारा, और सोनभद्र में इंटर हो चुके हैं हम लोग।
दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रॉबर्ट्सगंज मार्केट क्रॉस करने के बाद ये डीएम ऑफिस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सोनभद्र का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जस्ट नेशनल हाईवे 5A के जस्ट कॉर्नर पे ही। जैसे आप रॉबर्ट्सगंज मार्केट क्रॉस करेंगे या रॉबर्ट्सगंज वाला फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे तुरंत आपको ये देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे आराम से बैठ के पार्टी वार्टी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों के शहर सोनभद्र का ये दूसरा टोल प्लाजा है। और इस टोल प्लाजा के पहले ना क्या खूबसूरत सा नज़ारा था दोस्तों। और ये टोल प्लाजा भी आप लोग देख सकते हैं 8 लेन का है। एक मिनट दिखाते हैं आप लोगों को, ये टोल प्लाजा भी दोस्तों ये 8 लेन का ही है। ये लोढ़ी वाला टोल प्लाजा था दोस्तों। और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। पूरा एकदम चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहा है। और आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का पूरा नज़ारा। दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये यहाँ का सोनभद्र का इको पॉइंट है। इको पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, मतलब यहाँ से ना अगर मैं आप लोगों को दिखाता, आज थोड़ा सा धुंध ज़्यादा है, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखाता यहाँ से क्या ही ज़बरदस्त व्यू आता है दोस्तों। देखो कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ अगर हम देखें ना, एक कह सकते हैं कि ऑन द स्पॉट आके अगर देखें स्पॉट से, तो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। नीचे ना एकदम पूरा कॉलोनी टाइप का दिख रहा है, जो लोग यहाँ पे बस्ती है, जो बस्ती में लोग रहते हैं वो दिख रहा है। और आगे पहाड़ी वाड़ी दिख रहा है, मतलब ये आप कैमरे में तो समझ में आ नहीं रहा है लेकिन यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार भी बना हुआ है, वो भी हाईवे पे ही मेन, जय श्री कृष्ण करके। और ये है यहाँ का इको पॉइंट, देखिए वहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है इको पॉइंट का। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ये वाले आरओबी के पास, जिसमें बाएं तरफ से आपको ना नीचे से ये जो ब्रिज दिख रहा है इसके नीचे से आपको जाना होगा ओवरा के लिए। फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए आप ये ओवरा वाला हाईवे देख रहे हैं, ओवरा वाला रोड, इधर से आप ओवरा चले जाएंगे। और जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं आगे, ये हाथी नाला और रेणुकूट वाला रोड है। और देखिए यहाँ से भी ना कितना बेहतरीन नज़ारा आता है, चाहे आप ओवरा की तरफ चले जाइए उधर, और आप रेणुकूट की तरफ या हाथी नाला की तरफ चलिए तब भी। और देखिए सामने आपको एक आरओबी देखने को मिल जाएगा जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एक तरफ, और दूसरी तरफ चालू हो चुका है। ये दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का आरओबी, जैसे अपने वहाँ पे मड़ुआ डी में बना हुआ है ये पासपोर्ट ऑफिस के पास वाला, वैसा ही कुछ बन रहा है। देखिए एक तरफ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये वाला, इसकी वजह से ना उधर का लेन रोक दिया गया है, और एक ही तरफ से इधर से ही सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और देखिए यहाँ नीचे से ना रेलवे क्रॉसिंग का भी रेलवे का ट्रैक गया हुआ है, और बहुत बेहतरीन नज़ारा आता है यहाँ से भी दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको लगा दिया गया है ताकि भारी वाहन यहाँ पे ना आए, कुछ इस तरीके से। और पूरा एकदम पहाड़ी इलाके में आ गए हम लोग, चारों तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ सब पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप वो आरओबी वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे ना, आपको माता वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बहुत ही भव्य है दोस्तों। ये आँखों से देखने से ना इसका नज़ारा ही कुछ और है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे कलाकृतियाँ करी गई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए त्रिपिंडी टाइप का बना हुआ है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलाकृतियाँ करी गई हैं। देखिए राजा साहब ऊपर बैठे हुए हैं, उधर सेनापति, और मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख के आपको सुकून मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, माता वैष्णो देवी का शक्तिपीठ धाम है ये। देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का पूरा, और ये हाईवे पे ही है जस्ट बगल में। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ये मालो घाट का टोल प्लाजा है, जिसे हाथी नाला भी कह सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ तक आने में ना बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन नज़ारा आप लोगों ने अभी पीछे वीडियो में देख ही लिया होगा, और वो तो बस अभी ट्रेलर था, आगे आप लोगों को और भी देखने को मिलेगा वैसे एकदम सीनरी टाइप की बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे। तो हम लोग ये हाथी नाला वाला टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हुए आप लोगों को और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। हाथी नाला टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ना कुछ इस तरीके का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो नज़ारा है ना काफ़ी दूर तक आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं थाना हाथी नाला के पास, जनपद सोनभद्र। आप लोग देख सकते हैं थाना हाथी नाला ये सामने आप लोगों को दिख रहा है, और इस रोड से अभी हम लोग इधर से आ रहे थे, ये रही अपनी बाइक खड़ी है। तो ये देखिए वाराणसी और बाबतपुर, बाबतपुर करीब 158 किलोमीटर दूरी पे है और वाराणसी यहाँ से 139 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से हम लोग अगर बाएं साइड में मतलब इधर चले जाते हैं गढ़वा रांची, रांची 299 किलोमीटर और नगर उंटारी 49 किलोमीटर। और अगर हम दूसरी साइड जाते हैं ये रेणुकूट वाला रोड है, अनपरा 48 किलोमीटर और रीवा जो है वो 264 किलोमीटर है, और इसी रोड पे दोस्तों रेणुकूट है आपका, रेणुकूट वाले रोड पे, और ये सिंगल लेन का रोड है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों तरफ जंगल है और बीच में से ये रोड निकला हुआ है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। रिस्क क्यों है, क्योंकि सिंगल लेन है, इसी पर गाड़ियाँ आएँगी और जाएँगी भी, और इस पर बहुत तीव्र टाइप के मोड़ हैं, मतलब बहुत शार्प टर्न वाले मोड़ हैं, और जिसपे खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का पूरा नज़ारा और पहुँचते हैं रेणुकूट। यहाँ पे पास लेना मतलब क्या कहते हैं उसको, साइड से लेके ओवरटेक करने में ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि देखिए सामने का कुछ भी दिख नहीं रहा है, और अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई और बीच में हम फंस गए तो गए। इसलिए आराम से चलेंगे इस रोड पे और आप लोगों को पूरा का पूरा नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे। देखिए रेणुकूट यहाँ से दोस्तों 15 किलोमीटर की दूरी पे है। एकदम पूरा मूवी वाला एकदम सीन समझ में आ रहा है सामने, बोला इस तरीके से जैसे हीरो की एंट्री होती है ना उधर से, इधर कैमरा एंगल सेट है उस तरीके का नज़ारा है भाई यहाँ पे, पूरा एकदम मन खुश हो गया। दोस्तों यहाँ से ना सीधी जिला के लिए आपको एकदम सीधा जाना पड़ेगा, इसी रोड पे है सीधी जिला। और देखिए ये जंगल वंगल पहाड़ वहाड़ ख़त्म होने के बाद कुछ इस तरीके से आबादी यहाँ पे बसी हुई है। यहाँ पे पीछे शायद टाटा मोटर्स का प्लांट भी था जहाँ ट्रक वगैरह बनता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का नज़ारा था यहाँ रेणुकूट तक का, और ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है वाराणसी टू रेणुकूट तक का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सब कुछ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बहुत सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलिए धन्यवाद। अगर कोई सजेशन या कोई सुझाव देना हो या कोई शिकायत करना हो तो आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर मिल जाऊँगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर कुछ सुझाव या शिकायत करना हो तो आप लोग DM कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।